पंजाब के बठिंडा में कार में हुए धमाके से एक नाबालिग बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। यह धमाका एक चुनावी जनसभा के नजदीक खड़ी कार में हुआ। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से एक प्रेशर कुकर बरामद हुआ है। पुलिस ने इसके आतंकवादी घटना होने से इनकार नहीं किया है। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मौड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा के तुरंत बाद रात 8:30 बजे विस्फोट हुआ। जस्सी सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के रिश्तेदार हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद आतंकवाद की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेषज्ञ ही विस्फोट के कारण बता सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह चोरी की कार थी और इस पर 2 पहिया वाहन का पंजीकरण नंबर था। वाहन का चेसिस नंबर भी हटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि यह गैस से नहीं चल रही थी। पुलिस ने कहा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। विस्फोट स्थल के नजदीक एक जला हुआ प्रेशर कुकर भी देखा गया। अरोड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ से फॉरेंसिक टीम सुबह बठिंडा पहुंचेगी और मामले की जांच करेगी। बठिंडा के उपायुक्त घनश्याम थोरी ने बताया कि मारुति कार में हुए विस्फोट में 3 राहगीर मारे गए, जिनमें 2 वयस्क और 1 बच्ची थी। उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। घटना में 15 लोग जख्मी भी हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की रैली खत्म होने के बाद विस्फोट हुआ। पंजाब पुलिस के IG नीलाभ किशोर ने कहा है कि जांच प्रारंभिक चरण में है, इसलिए विस्फोट के कारणों के बारे में कुछ कहना कठिन है। तो इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आतंकी घटना हो सकती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। देखते रहिए DB Live।